नमस्कार, मैं हूं सुपांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत आज तक। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रत्याशी बना लिया गया है और जो 10 साल से पूर्व मेयर है अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शायद परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर घोषित प्रत्याशी मेयर प्रत्याशी घोषित हुई जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है तो 70 साल से यहाँ पर मेयर है वो किसी तरह नहीं चाह रही कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है कंपेन में वो जा रही है करीब 2 महीने से जा रही है शाइस्ता परवीन हमारी आवाज आप लोगों को जिस तरह से वो करीब 2 महीने से प्रशासन प्रचार के लिए जा रही है उनको दलित बस्तियों में बहुत दयनीय स्थिति में जिस तरह से महिलाओं से मिल रही है आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमने उनको देखा है कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि तो 10 साल पूर्व जो 10 साल से रह रही है वो किसी तरह नहीं चाहती शाइस्ता परवीन फाइट में आए और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग क्या देख सकते हैं भाइयों उनके घर का एक बाहर का रास्ता है जीना एक बाहर का जीना है जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कंपेन में चली जाती थी नीचे। हमारे साथ खबरों का अपडेट यूं ही प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ जय हिंद।